इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों का यूज़ कहाँ किया जाता है, सेंटेंस में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी ऑनलाइन स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं डिटरमिनर्स का, जो कि आपने टाइटल में देख लिया होगा। तो हमारा आज का डिटरमिनर्स है नो, नॉट और नन का यूज़। नो का यूज़ तो स्टार्टिंग से यानी लोअर क्लास से ही किया जाता है, नॉट का यूज़ मिडिल क्लासेस में किया जाता है और नन का यूज़ आपको बताया जाता है 10th, 11th और 12th में। इस तरह से नो, नॉट और नन, इन तीनों का यूज़ और तीनों के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास में। तो चलिए, अगर आपने पहले इन तीनों के यूजेस नहीं सीखे हैं तो हम आज सीखते हैं नो, नॉट और नन का यूज़। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों का यूज़ कहाँ किया जाता है, सेंटेंस में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नो का यूज़। नो का मीन्स आप जानते हैं, जो होता है नहीं। नो का यूज़ हम दो तरह से करते हैं। फर्स्ट यूज़ जो नो का होता है वो होता है टू आंसर एनी क्वेश्चन, यानी किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम सिर्फ एक वर्ड में कहते हैं नो। जैसे कि विल यू गो विथ अस, क्या तुम हमारे साथ चलोगे, तो हम क्या जवाब देते हैं, नो, नहीं। हैव यू ईटन योर फूड, क्या तुमने तुम्हारा खाना खा लिया, तो हम क्या जवाब देंगे, नहीं। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका जवाब केवल नो में दिया जाता है। तो पहला यूज़ होता है नो का किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, सिर्फ नो में। सेकेंड यूज़ है नो का टू कम्प्लीट अ सेंटेंस। नो का यूज़ हम करेंगे किसी भी सेंटेंस को कम्प्लीट करने के लिए। जब आप नो का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि नो का यूज़ जहाँ भी होगा उसके जस्ट बाद आपको कोई ना कोई नाउन मिलेगा, यानी नो का यूज़ हमेशा नाउन के पहले होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे देयर इज़ नो गार्डन, यानी गार्डन के पहले आपको लगाना है ब्लैंक में नो लिखना है। इसका मतलब नो के लिए यूज़ के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जी आपको नो लगाना है, उसके जस्ट बाद आपको कोई सा भी नाउन मिलेगा और उसके पहले ही आपको नो का यूज़ करना है। एक और एग्जांपल देखिए, आई हैव नो मनी। मनी भी एक नाउन है इसलिए उसके आगे नो लगा है। तो ये है आपका नो का यूज़। नो के दो यूज़ होते हैं। पहला यूज़ होता है किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सिर्फ ना में, नहीं में, और दूसरा यूज़ होता है सेंटेंस मेकिंग में, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाएंगे। तो नो का यूज़ कहाँ करना है? नो का यूज़ वहाँ करना है जहाँ पे आपको नाउन दिया हो, नाउन के जस्ट पहले अगर ब्लैंक है तो आपको लगाना है नो। अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉट का यूज़। नॉट का मीनिंग होता है बिल्कुल नहीं। नॉट का यूज़ हम दो तरह से नहीं, केवल एक ही तरह से करेंगे। नॉट का यूज़ अगर हम किसी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए करते हैं तो उसमें आंसर कंप्लीट नहीं लगता। जैसे अगर हम किसी से पूछें कि आर यू रेडी, तो वो क्या जवाब देगा, नॉट। अगर हम इस तरह जवाब देंगे तो क्या आपको आंसर कंप्लीट लगा, क्या तुम तैयार हो, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, होना बाकी है या कुछ टाइम है। नॉट जहाँ भी हम यूज़ करेंगे वहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं लगता, इसलिए नॉट का यूज़ हम आंसर देने के लिए नहीं करेंगे। तो नॉट का यूज़ होगा सेकेंड टर्म में, यानी दूसरी कंडीशन में। नॉट का यूज़ होगा मेकिंग सेंटेंस में। जब भी आप नॉट का यूज़ करेंगे तो उस सेंटेंस में आपको नॉट के साथ एनी वर्ड दिया जाएगा। जी हाँ, सेंटेंस में जब एनी वर्ड आप देखें तो आपको उस सेंटेंस में नॉट का ही यूज़ करना है। जैसे आई हैव गॉट एनी मनी, तो सेंटेंस में आपने देखा कि एनी लिखा हुआ है इसलिए हम वहाँ पर यूज़ करेंगे नॉट का। तो सेंटेंस बन गया आपका I have not got any money, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं। सेकेंड सेंटेंस देखिए, there is any sugar in tea, यहाँ पे फिर से any word का यूज़ हुआ है इसलिए हम उसके पहले लगाएंगे not। there is not any sugar in tea, चाय में बिल्कुल भी शक्कर नहीं है। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि not का यूज़ वहाँ होगा जिस सेंटेंस में any word आएगा। any word not के बाद भी आ सकता है या सेंटेंस में कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया नॉट का यूज़। कंडीशन क्या है कि आपको नॉट का यूज़ करते वक्त देखना है कि सेंटेंस में एनी लिखा है तो उस सेंटेंस में नॉट का ही यूज़ होगा। अब हम देख लेते हैं नन का यूज़। नन का मतलब होता है कोई भी नहीं या कुछ भी नहीं। नन के भी हम दो यूज़ करेंगे। पहला यूज़ करेंगे किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए,
सिर्फ वर्ड में, या रमनन का यूज होगा अलोन या विदाउट नाउन, उसे कहेंगे सिर्फ सिंगल वर्ड में जवाब देना। जैसे किसी ने हमसे क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी चॉकलेट हैव यू गॉट, तो हम जवाब में कह सकते हैं मतलब तुम्हें कितनी चॉकलेट मिली है, कितनी चॉकलेट प्राप्त हुई है, तो हम क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इसलिए जब किसी क्वेश्चन को जवाब देने की बारी आती है तो हम सिर्फ नन का यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड यूज़ जो हमारे लिए यूज़फुल है वो है मेकिंग सेंटेंस में। तो मेकिंग सेंटेंस में नन का यूज़ कैसे किया जाता है, उसकी एक कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि जब भी हम किसी सेंटेंस में नन का यूज़ करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो उसके साथ हमेशा ऑफ वर्ड यूज़ होगा, यानी नन के साथ हमेशा ऑफ वर्ड आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉट के साथ एनी आता है, लेकिन एनी सेंटेंस में कहीं भी दिया जा सकता है, तो आप नॉट का यूज़ करें। और नन के लिए नन के जस्ट बाद, यानी ब्लैंक के जस्ट बाद ऑफ लिखा होगा, तो आपको वहाँ फिलअप करना है नन। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कुड फाइंड ऑफ हिज बुक्स, तो यहाँ पे ऑफ आया है तो ऑफ के पहले हम लगाएंगे नन। ही कुड फाइंड नन ऑफ हिज बुक्स, उसे अपनी कोई भी किताब नहीं मिली। सेकेंड सेंटेंस, आई नो ऑफ देम, तो यहाँ पे लगाएंगे नन, मतलब है मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता। तो इस तरह आपको समझ में आया नो, नॉट और नन का यूज़ कहाँ होता है। नो का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे आपको नो के जस्ट बाद कोई नाउन दिया हो। नॉट का यूज़ उस सेंटेंस में होगा सेंटेंस में एनी वर्ड दिया हो। और नन का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पे ब्लैंक के जस्ट बाद ऑफ दिया होगा। यानी तीनों कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइजेस।